हेलो गाइस, दिस इज सुनकर प्रजापति और आप लोगों का आदर्श क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। आज हम कर रहे हैं हमारा अलजेब्रा का पार्ट 8। इससे पहले हमने अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर सिर्फ मैं कॉम्पिटेटिव मैथ्स जो एग्ज़ाम्स में आती है वो पढ़ाता हूँ और जनरल साइंस के क्लासेस जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो जनरल साइंस में चाहे वो किसी भी लेवल की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों, ठीक है, मैं यहाँ पर करवाता हूँ। तो बेसिकली ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम 5 मिनट आप मेरे साथ मेरे चैनल पर रहें, कम से कम 5 मिनट मुझे जस्टिफाई करने के लिए गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है गाइस, आप देख रहे होंगे कि √120 प्लस √180 प्लस √145 माइनस √180 ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये जो √120 है गाइस, इसको आप देखें इस तरह, और यह है √145। कोशिश क्या करनी है, कोशिश करनी है कि इसका फैक्टर करना है। तो ये जाएगा 4 × 5 और इसको आप फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 9 × 5। तो 4 जो है जो रूट से बाहर निकल के 2 बन जाता है और ये √5। 9 जो है रूट हंड बाहर से निकल के 3 बन जाता है और √5। दोनों का आप ऐड कर दें तो आंसर हो जाएगा 5√5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आ गया गाइस। देखा आपने ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो है वो है 125 का पावर −1/3। तो 125 का मतलब क्या होता है गाइस, 5 × 5 × 5 और उसका पावर क्या लिखा हुआ है, −1/3। तो ये 5 3 बार आया, तो 5 3 बार का मतलब क्या होगा, 5 का पावर 3 और उसका भी पावर 1/-1/3। तो हो जाएगा 5 का पावर −1 यानी कि 1/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करें, देखो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें तो क्या लिखा है इन्होंने, 27 का मतलब होता है 3 × 3 × 3 का पावर क्या दे रखा है आपको, 2/3। तो अंदर में 3 जो है 3 बार आया है, तो 3 का पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 2 का 2/3 ये कटा, तो 3 का पावर 2 जो है वो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो 9 आप टिक कर लें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर लिखा गया पावर, तो आप इसको ऐसा कर लें 3/2 ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि 2/3 से नहीं बनेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 का पावर 2, 16 का मतलब 4 का पावर 2 होता है और ये होता है 3 का पावर 2। तो 4 का पावर 2 ये हो जाएगा 3/2, ये 2 से 2 कटा, तो 4 का पावर 3 और 4 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है, 64, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 81। 81 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 × 3 × 3 × 3 और इसका भी पावर क्या लिखा है, −1/4। तो आप लिख सकते हैं 3 का पावर 4 − 1/4 ये कटा यहाँ से, तो 3 का पावर −1 यानी कि 1/3 ऑप्शन नंबर से। एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, सपना जो है ना वो खुली आँखों से देखना है, ठीक है, सपना कभी सोते हुए नहीं देखना है। अगर सच में एक पोस्ट लेनी है या फिर आपको कोई जॉब लेनी है गवर्नमेंट, तो आपको क्या करना है, लगन मेहनत से करना है। ऐसा नहीं है, दो पैर में नाव रखने वाले लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते गाइस। अगर आप मेहनत 6 महीने भी कर लोगे ना, फोकस करके 6 महीना मेहनत कर लोगे, तो मैं गारंटेड बोलता हूँ कि आप गारंटेड के साथ गवर्नमेंट जॉब ले लोगे। 6 महीना अगर सिर्फ, यानी 6 मंथ अगर आप सिर्फ मेहनत कर ले तो लगन से, तो आपका नौकरी कोई रोका नहीं है, 100% नौकरी आपको मिलेगी। लेकिन पूरे फुल डेडिकेशन के साथ, अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं उठती है गाइस। तो मेहनत ज़रूर करें, और अगर आप हमारा लाइव क्लास लेना चाहते हैं, मुझसे ऑनलाइन लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको ऑनलाइन लाइव पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। अभी तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई सिंगल बंदा भी कमेंट करेगा तो मैं सिंगल बंदे को ऑनलाइन लाइव क्लास देने के लिए तैयार हो जाऊँगा गाइज, बस जस्ट कमेंट ऑन माई वीडियो। चलिए क्वेश्चन देखिए 64 में क्या लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 64 है, तो 64 का मतलब क्या होता है, 8 × 8 और इसका पावर क्या दे रखा है मेरे दोस्तों, 1/2। तो हो जाएगा आपके पास 8 का पावर 2 − 1/2, तो ये 2 से 2 कटा, 8 का पावर −1 यानी कि 1/8, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या लिखा हुआ है ना, क्यूब रूट हंड्रेड
है ना, 216 है, तो 216 का मतलब होता है 6 × 6 और रूट अंडर क्यूब है, 1/3 हो जाएगा, तो 6³ और 1/3, तो आंसर का जाएगा 6^1 यानी कि 6, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखें क्या लिखा हुआ है, इन्होंने पूछा कि घात 3 की करनी है, 1/3 घात की करनी है, 1 घात की करनी या फिर 1 करनी नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं ना, ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 27 और रूट अंडर क्यूब है, तो 3³ × 1/3 ये कटा, तो आंसर क्या है 3^1 यानी कि 3, तो 3 आया, तो करनी तो है नहीं, इसलिए ये भी सब गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दे रखा, पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कैसे पता करेंगे, रूट अंडर 3 का मतलब होता है 3^1/2 है ना, रूट अंडर क्यूब है, क्यूब रूट अंडर 3 है, तो क्यूब रूट अंडर 3 का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट अंडर 3 का मतलब होगा 9^1/3 और ये 6 रूट अंडर 18 है, तो 18^ हो जाएगा 1/6, तो पावर से ही पता चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या करो तीनों का एलसीएम लोगों 6 आएगा, तो इसको क्या करना है डिनोमिनेटर 6 बनाना है, तो डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुना करो, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुना करो, तो हो जाएगा आपके पास 3/6, हो जाएगा आपके पास 2/6 और ये हो गया 1/6, किसका न्यूमिनेटर बड़ा है इसका, यानी ऑप्शन नंबर 3 रूट अंडर 3 जो है वो बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा। यदि एक्स प्लस 1/(x)=3 है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1/(x)² आपसे पूछा है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/(x)² पूछा है, तो कैसे निकलेगा, एक्स प्लस 1/(x)²-2, तो हो जाएगा आपके पास 3 और 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर आता है 9, 9 - 2 कितना जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखें आप क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/(x) की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आपसे पूछिए x³ + 1/(x)³ क्या आंसर आएगा, x + 1/(x)³-3 x + 1/(x), तो यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब कितना जाएगा 8 और 2 को 3 से गुना करोगे 6, तो आंसर कितना जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, यदि x - 1/(x)=1/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी तो कैसे लिखेंगे, 4 अपॉन x स्क्वायर, तो ऐसा करो 4 को कॉमन निकालो, ठीक है, या फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 4 से गुना कर देंगे, है ना, ऐसा करते हैं जो रिजल्ट आएगा उसको 4 से गुना कर देंगे, आप वैल्यू निकाल लो किसकी, x² + 1/(x)² की वैल्यू निकाल लो, तो x² + 1/(x)² की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है, x - 1/(x)²+2, ठीक है, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कर लो प्लस 2 करो, तो 1/4 + 2 कितना आ जाएगा 9/4, लेकिन आपको आंसर किसका चाहिए, आपको आंसर चाहिए 4x² 4/(x)² यानी 4 से गुना करना है ना, तो 9/4 को 4 से गुना कर दो, कटा, तो आंसर कितना आया 9, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने ये क्वेश्चन लिखा है, तो इसका आंसर क्या है, x + 1/(x)=√3 है, तो आपसे क्या पूछा इन्होंने, इसका वैल्यू पूछा है, तो एक्स का क्यूब और 1/(x)³ क्या हो जाएगा, x + 1/(x)³− ये होल क्यूब है -3 और x + 1/(x), तो क्या पुट करो यहाँ पर, रूट अंडर 3 ना, तो रूट अंडर 3 का क्यों ये हो जाएगा 3√3, इसकी वैल्यू भी 3√3 आएगी, है ना, और -3√3, तो घट करके आंसर क्या आ जाएगा 0, नहीं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गाइज इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 पर अगर आप बात करोगे तो क्या लिखा हुआ है, x² + 1/(x)² = 104 है, तो x - 1/(x) की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो x² + 1/(x)² = 102 दे रखा है, इसको अगर आप फार्मूले में कन्वर्ट करोगे तो आप x - 1/(x)² ठीक है +2 = 102 कर सकते हो, +2 क्योंकि जब आप इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो सेम चीज़ आएगा, और -2 भी आएगा तो -2 + 2 कट जाएगा, तो ये वाला बच जाएगा ना, तो देखो ये इसको घटा दो यहाँ से, तो घटाने के बाद जो है वो आपके पास आंसर आएगा x - 1/(x)²=100, तो x - 1/(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 10 प्लस माइनस में,
तो 10 होगा, 10 मान के चलो आंसर हो गया इसका। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x का पावर 4 इज इक्वल टू 322। तो x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन x का पावर 4 इज इक्वल टू 322। इसको आप लिखेंगे x का पावर 2, ठीक है, x का पावर 2 और 1 अपॉन x का पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, है ना, 322। माइनस क्योंकि क्योंकि जब इसका होल स्क्वायर तोड़ो तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 आएगा, प्लस 2 भी आएगा, तो प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो एक्स का पावर 2 1 अपॉन एक्स का पावर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 324, और 324 जानते हैं आप किसका होता है, 18 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप 18 ले लो, क्योंकि माइनस में कोई ऑप्शन नहीं दिया हो तो 18 ही ले लो। आंसर किसकी चाहिए, माइनस का। तो माइनस का आंसर निकालने के लिए, ठीक है, माइनस का आंसर निकालने के लिए आप क्या करें, इसको लिखेंगे आप तो यहाँ पर प्लस कर लो, इज इक्वल टू कितना आपके पास 18, दो उधर जाएगा तो 16 बचेगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्यूब दे रखा है, क्या दे रखा है, क्यूब कैसे बनेगा, तो एक्स का पावर क्यूब 1 अपॉन एक्स का पावर क्यूब इज इक्वल टू 52 है। चलो आ जाओ देखो कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब माइनस 3, एक्स माइनस 3 हो गया ना, x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू 52। इसको y लिख लो तो y का क्यूब माइनस 3y, ठीक है, और माइनस 52 लिख लो, माइनस 52 बराबर में इधर, तो इधर आकर माइनस 52 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अच्छा अब इसका देखो एक फैक्टर खोजो, है ना, y की वैल्यू, क्योंकि जो 52 है वो आपके 1 के टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, है ना, और 3 का टेबल में तो आएगा नहीं, 4 का टेबल में आएगा, तो 1 से तो आने वाला है नहीं, 2 से आने वाला, तो 4 पे चेक करो एक बार, y इज इक्वल टू 4 रख करके चेक करो कि इक्वल टू 0 आ रहा है नहीं। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, और 4 तीन 12 और ये 52, हाँ, तो 64 माइनस 64 आंसर 0, यानी कि y इक्वल टू 4 इसका फैक्टर है, तो y इक्वल टू 4 आ गया। और y आपने किसको लेट किया बताओ, y लेट किया आपने इस अंदर वाले को, इसको, ठीक है, इसको लेट किया ना आपने, लेट किया x प्लस 1 अपॉन x को जो है आपने y लेट किया, और उसका वैल्यू आया 4। लेकिन आंसर आपसे किसने किसका पूछा है, इन्होंने माइनस का पूछा है, तो देखते हैं माइनस वाला, नहीं तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, तो 4 ही टिक करना चाहिए, लेकिन माइनस वाला भी हम निकाल कर देखते हैं, तो माइनस वाला कैसे निकलेगा उसको भी देख लेते हैं, या तो हो सकता है हमने मिसप्रिंट कर दिया हो, ठीक है, तो आ जाओ करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। एक फार्मूला और होता है आपके पास, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसके वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको उधर ले जाओ तो माइनस 16 हो जाएगा ना, तो माइनस 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस 8 12 बचेगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 इकट्ठा। तो x माइनस 1 अपॉन x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी प्लस माइनस 2√3। तो ये वाला ऑप्शन नहीं, इसका मतलब मैंने मिस्टेक लिखा है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ट हमने आपकी संतुष्टि के लिए इसको क्लियर किया कि अगर माइनस होता तो आंसर क्या होता, है ना, माइनस तो नहीं है, मिसप्रिंट है, माइनस की जगह पर प्लस होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसको देखें थोड़ा क्या लिखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ गाइस, क्या लिखा है कि 2x माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है, और आपको होल स्क्वायर चाहिए, इसका होल स्क्वायर चाहिए। तो ऐसा करो ना, ये 5 दे रखा है माइनस में, बट आपको आंसर किस में चाहिए, ये भी माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक तरीका है हमारे पास, अगर हमको इसका प्लस मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। आ जाओ निकाल लेते हैं, तो 2x है ना ऐसा कुछ का होल स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला बना रहा हूँ, फार्मूला पता होना चाहिए गाइस, अगर फार्मूला पता होगा तभी बनेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ, 2x माइनस 3 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 4 मल्टीप्लाई ए भी ना, तो 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 2x, और b की वैल्यू कितनी है 3/x, ये कटा x कटा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 5, तो 5 रख दो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर कितना आ रहा है देखो, तो ये हो जाएगा 6 24, यहाँ हो जाएगा 24, इसको ऐड कर लो 25 हो जाएगा,
25 डालेगा 49 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 2x माइनस 3 बटे एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो 49 आया, मतलब 7 आ जाएगा। तो 2x माइनस 3 अपॉन एक्स का जो वैल्यू है वो आया 7, सॉरी प्लस का वैल्यू है ना, ये प्लस का वैल्यू कितना आया 7 आया। अब 7 को जो है किससे गुना करेगा 5 से, तो 7 को 5 से गुना करेगा कितना आ जाएगा 35, तो आंसर 35 हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, एज ए बी इज इक्वल टू 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है हमसे। देखो कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए क्या करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इजी क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, किन्नी वैल्यू दे रखी है प्लस बी का 7, तो 7 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 12, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 12 दुनी 24, कितना आया 25, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या लिखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 और ए बी इज इक्वल टू 6, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी, पुट कर दो 7 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, तो 7 का क्यूब आ जाता है 343, 7 6 42, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 42, तो 343 माइनस 4 3 दूनी 6 और 4 3 12, माइनस करो ना कितना बचेगा 3, नहीं 3 नहीं बचेगा, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 13 में 6 गया 7 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, उसके बाद 3 में से 2 गया 1 बचा और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 217 आया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या क्वेश्चन दे रखा है, ए प्लस बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 6, क्यूब निकालना, ये तो इजी और क्वेश्चन हो गया, ए का क्यूब बी का क्यूब क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास प्लस 3 ना 3ab और यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी, क्यों वैल्यू दे रखी है, अच्छा ए प्लस बी दे रखा और क्यूब निकालने बोला है, वाह क्या बात है, ए प्लस बी दे रखा और क्यूब निकालने बोला है, थोड़ा मेहनत बढ़ गया है ना, मेहनत बढ़ गया दोस्तों, ए प्लस बी बोल रहा है और क्यूब निकालना है, तो ऐसा करना होगा कि आपको ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, तो ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, तो वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 24 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 24, तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 24 माइनस 25 यानी कि ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो आपके पास आया 1 और ए बी की वैल्यू 6 दे रखी है, तो आ जाओ अब इसको मैं तोड़ रहा हूँ, अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ, देखो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 ab भी होगा ना, 3ab और यहाँ पर होगा ए माइनस बी, देखो क्या आंसर आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो ये 1 हो गया और 6 18 18 कितना हो जाता है 19, ऑप्शन नंबर ए 19 आई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 19 आंसर आया। 21 में देखिए क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछ रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ये तो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, 3abc, ये तो मैंने आपको बताया था कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc जो है वो आपका ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू 0 तो पूरा 0, ठीक है, तो लेकिन आपसे इसकी वैल्यू पूछिए ना, तो ये 3abc इधर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। जब दे रखा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 23 है, तो पूछ रहा है आपसे कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा, ये पूछा है। अब इसका फार्मूला तो आप जानते हैं एक ही होता है, वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और क्या होता है, और होता है माइनस 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 हाँ माइनस ए बी
माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फार्मूला होता है, ठीक है, किसके बराबर, इसके बराबर। तो आप सोचिए थोड़ा सा, इसकी वैल्यू तो आपके पास है, कितनी है 9, चलिए आपने पुट कर दी, लेकिन इसके लिए आप एक फार्मूला लिखो, क्या लिखो, वो लिखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे करके, और माइनस में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई ए बी, ठीक है, 2 बी सी, और क्या जाएगा माइनस 2 ए सी, ऐसे करके। और ऑलरेडी माइनस क्या दे रखा है आपको, ऑलरेडी में दे रखा है ए बी, और यहाँ हो जाएगा बी सी, और यहाँ हो जाएगा सी ए, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ भी 9 पुट कर दो, 9 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ए बी ए बी, 3 ए बी, तो 3 कॉमन निकाल दो, तो आंसर आ जाएगा ए बी, और यहाँ हो जाएगा बी सी, और यहाँ जाएगा सी ए, तो ये हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 मल्टीप्लाई कितनी दे रखी वैल्यू इनकी, 23, 23 से गुना करो, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 81, 23 को 3 से गुना करो, तो कितना, 3 3 9, 3 2 6, 69 आया, माइनस कर दो, 11 में से 9 गया 2 बचा, और 7 में 6 गया 1, 1 को 9 से गुना, तो 12 निम्न 108, ठीक है, 108 है ना, ऑप्शन नंबर ए, 108 इसका आंसर हो गया गाइस। आज के क्वेश्चंस खत्म हुए, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए, इसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो आपको कल मिल जाएंगे गाइस। तो क्लास आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ अलग चाहिए तो मैंने आपसे कहा है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है, जनरल साइंस के क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, तो सब क्लासेस जो है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है, डोंट वरी, आप टेंशन ना लीजिए, सिर्फ मेरे साथ जुड़ जाइए गाइस, ठीक है, चलिए दोस्तों बाय, और इसका नोट्स आपको लेना है तो आप जाने रहे टेलीग्राम अकाउंट।